ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर चंबल क्लस्टर की चार लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा की। अमित शाह की बैठक के बाद महाराष्ट्र भाजपा के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के पहले अमित शाह यही बैठक करने आए थे और चारों लोकसभा क्लस्टरों की बैठक हुई थी। वो जब पिछली बार आए विधानसभा चुनाव में तो कार्यकर्ताओं को ऐसा मंत्र मिला और ऐसा आत्मविश्वास मिला कि हमने प्रचंड विजय हासिल की। बंगाल में भाजपा नेत्री लॉकेट चार्जी को संदेशन खाली जाने से रोके जाने पर जयभान सिंह पवैया ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं और संदेश खाली के लोगों को लग रहा है कि हम औरंगजेब के शासनकाल में जी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। विधानसभा चुनाव के पहले आज जो हम जिस जगह खड़े हैं यही अमित शाह जी बैठक करने आए थे इस अंचल की और आज चारों लोकसभाओं के क्लस्टर की बैठक हुई है। वो जब पिछली बार आई विधानसभा में तो ऐसा मंत्र मिला कार्यकर्ताओं को और ऐसा आत्मविश्वास मिला कि हमने प्रचंड विजय हासिल की। और आज की बैठक के बाद भी मैं कह सकता हूँ ग्वालियर अंचल ही और पूरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता जीरो रहने वाला है, उसको नहीं बना पाएगी मध्य प्रदेश। 370 वोटों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं को और आज वही आह्वान को हमने संकल्प के रूप में दोहराया है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के प्रयास के लिए कमर कस लेंगे कार्यकर्ता।